जब से रिचार्ज महंगा हुआ है ऐसा स्थिति क्यों है? आप लोग जो है अकेले यहाँ पर है, ग्राहक नहीं आ रहा। बढ़ेगा तो लोग इधर से उधर जाते रहेंगे, बीएसएनएल में जाएंगे पोर्ट करवा लेंगे। हम तो पोर्ट करवाते हैं, पोर्ट करवा लेते हैं हर एक तीन महीना पर, जियो से एयरटेल, एयरटेल से जियो। हाँ, हम लोग भी बीएसएनएल जाएंगे। जाइएगा 100% जियो एयरटेल छोड़ देंगे। कंपनी डूब जाएगा फिर? डूब जाने दीजिए। मोबाइल रखते हैं आप? नहीं रखते हैं। काहे? जियो का बहुत दाम हो गया, बहुत महंगा रिचार्ज है। तो कैसे फोन उनको करेगा बुकिंग के लिए? तो कैसे रिचार्ज का? अभी हमने 155 रुपया भराते थे, अभी 200 रुपया लग रहा है नोकिया का। बताइए, 200 रुपया लग रहा है? 200 रुपया लग रहा है। आपको अखर मार रहा है, फर्क पड़ रहा है? पूरा अखर मार रहा है। ऐसे ही लोग जो रिक्शा चलाते हैं, जो डेली कुली कबाड़ी का काम करते हैं, जो डेली मजदूरी का काम करते हैं, जो आप रेजा कुली का काम करते हैं, वो लोग रिचार्ज अब नहीं कर रहे हैं। ये धीमा जहर से मार रहे हैं लोगों को। धीमा जहर है मतलब पहले फ्री का लालच दिए और जब लोग उसके आदि हो गए तो अब महंगाई पर बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। फर्क तो पड़ा है मगर उतना नहीं पड़ा। अच्छा, किस वजह से जा रहे हैं बीएसएनएल लोग? बीएसएनएल सिर्फ सस्ता के वजह से, रिचार्ज जो महंगा हुआ उसके वजह आप मानते हैं? जब से जियो और एयरटेल का रिचार्ज महंगा हुआ है तब से फर्क पड़ा है। जी हाँ, हमारे पीछे देखिए, आपको दो स्टॉल दिख रहा होगा, पहला जियो का है, दूसरा एयरटेल का है। देखिए किस तरीके से जो है ये लोग अकेले हैं, यहाँ पर एक भी जो है ग्राहक नहीं है। जो सिम ले रहा हो या सिम पोर्ट करा रहा हो या सिम से संबंधित यहाँ पर जो है काम करा रहा हो आपका, इसकी जो वजह है वो यही है कि जब से जियो एयरटेल ने रिचार्ज महंगा किया, लोगों पर इसका असर पड़ा है और वो असर जो है वो धरातल पर यानी कि जमीन पर दिख रहा है। रिचार्ज महंगा करने के बाद जो है लोगों का जो आकर्षण है वो, या फिर झुकाव का है, वो बीएसएनएल की तरफ पड़ा है। और ये जाहिर सी बात है कि जो एक टाइम पर फ्री डेटा बांट रहे थे वो जो है अब है 500, 600, 600 और 400 रुपया जो है महीना ले रहे हैं। 10,000, 12,000 कमाने वाला मिडिल क्लास वाला जो है वो जियो का रिचार्ज 300-300 रुपया दे करके कैसे कराएगा? आप देखिए, हमारे साथ जो है एक जियो के एम्प्लॉय हैं, बगल में एयरटेल के हैं। अच्छा ये बताइए भैया, जब से रिचार्ज महंगा हुआ है ऐसा स्थिति क्यों है? आप लोग जो है अकेले यहाँ पर है, ग्राहक नहीं आ रहे? थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ा है, थोड़ा सा पड़ा है। ये सच्चाई है? हाँ, मगर हम लोग पास तो नेट वाला कस्टमर है, कॉलिंग वाला भले थोड़ा चला गया है। ऑफलाइन भी क्या लगता है, जैसे आप लोग ऑफलाइन है सिम लेने के लिए जिस तरीके से पहले आया करता था रिचार्ज से पहले, उसमें कितना फर्क आप देखते हैं? नहीं, अभी तो उतना भी नहीं पड़ा है सर, लेकिन पड़ा है फर्क? फर्क तो पड़ा है मगर उतना नहीं पड़ा। बताइए आप कब से जियो में काम? हमारा तो 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गया। 6-7 साल में जो क्रेज था जियो का, एयरटेल का, अब क्या क्रेज है? नहीं, अभी भी बढ़िया है। अभी तो कस्टमर बीएसएनएल की तरफ चला जा रहा था, मगर बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत ख़राब है ना, उसका नेट चलता नहीं है कस्टमर लेने के बाद। ये भी हो रहा है कि जैसे एक घर में 4-4, 5-5 सिम है और स्थिति ये आ गई रिचार्ज महंगा होने के बाद जो है अब लोग रिचार्ज नहीं करा रहे हैं, ये बात सही है? नहीं, इस तरह का नहीं है। ऐसे अगर देखा जाए तो हम लोग का एयर फाइबर या जियो फाइबर अगर घर में लगा देंगे तो जो चार्जर को फ़ोन चला रहा है। लगा देंगे तो नहीं, सिम की बात हम कर रहे हैं। सिम का रिचार्ज जो बढ़ाया गया है उससे फ़र्क पड़ा है, लोग रिचार्ज अब नहीं कर रहे हैं, ऐसा स्थिति बना है? नहीं नहीं, रिचार्ज तो करेंगे, चाहे खाना खाएं चाहे ना खाएं रिचार्ज करते हैं कस्टमर। रिचार्ज हो रहा है? लेकिन मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरे पास 2 सिम है, 1 सिम का रिचार्ज 3-4 महीने से ऐसे ही है। नहीं तो मेरे से और भी कस्टमर? नहीं नहीं, उस तरह का नहीं है, रिचार्ज हो रहा है। आप एम्प्लॉय इसीलिए ऐसा? नहीं नहीं नहीं, उस तरह का नहीं। जब से ये रिचार्ज का दाम बढ़ा है आप ग्राहकों का जो फुटफॉल है उसमें कितना अंतर देखते हैं? कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है हमारा। लोग बीएसएनएल की तरफ झुके हैं? देखिए, बीएसएनएल के पास वही जा रहे हैं जो बीएसएनएल कभी यूज़ नहीं किए हैं। अच्छा, किस वजह से जा रहे हैं बीएसएनएल लोग? बीएसएनएल सिर्फ सस्ता के वजह से, रिचार्ज जो महंगा हुआ उस वजह से, उसके वजह आप मानते हैं? लेकिन उन लोग सिर्फ जो जा रहे हैं ना, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि हमको खाली कॉलिंग चाहिए, डाटा नेट से उन लोगों को मतलब नहीं है। जा तो रहे हैं सिर्फ बात करने के लिए, जा रहे हैं मतलब सिर्फ कॉलिंग के लिए जा रहे हैं, रिपोर्ट करा रहे हैं अपना। लेकिन जो भी जा रहे हैं ना, वो फिर आके बोल रहे हैं कुछ दिन के बाद कि मेरा तो डाटा ही नहीं चल रहा, उससे अच्छा मेरा जियो था या एयरटेल था। देखिए, हमारे साथ एक ग्राहक है। अच्छा ये बताइए, ये लोग तो बोल रहे हैं कि महंगाई है तो रिचार्ज का दाम नहीं बढ़ेगा, सही बोल रहे हैं? बढ़ेगा कहाँ से, बढ़ेगा तो लोग इधर से उधर जाते रहेंगे, बीएसएनएल में जाएंगे पोर्ट करवा लेंगे। हम तो पोर्ट करवाते हैं, पोर्ट करवा लेते हैं हर एक तीन महीना पर जियो से एयरटेल, एयरटेल से जियो। क्यों करते हैं ऐसा? ये इन लोग 28 दिन का महीना होता है,
तो एक महीना आएगा ना साल में, तीन महीना मेरा। वाकई आपको लगता है कि रिचार्ज महंगा हुआ है? बहुत महंगा हुआ है, जनता पर असर पड़ रहा है। बहुत असर है, जो दो सिम रिचार्ज करवाते हैं एक सिम से काम चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये स्थिति है, जियो एयरटेल के जो ग्राहक है रिचार्ज बढ़ने के बाद जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है कि लोग जो है पोर्ट करा करा करके गुजारा कर रहे हैं। वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जो करोड़ों से खेल रहे हैं, लाखों से खेल रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो इस देश में रहने वाले मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लोग हैं। क्या चाचा, सही बात है? एकदम सही बात। रिचार्ज बढ़ना ये कितना सही है? रिचार्ज का दाम जो बढ़ा है, रिचार्ज का अभी हमने 155 रुपये भराते थे, अभी 200 रुपये लग रहा है ये नोकिया का। बताइए, है ना, 200 रुपये लग रहा है? 200 रुपये लग रहा है। आपको अखर मार रहा है, फर्क पड़ रहा है? पूरा अखर मार रहा है, आपती हो रहा है? आपती हो रहा है सर, पूरा आपती हो रहा है। क्या कहिएगा आप कंपनी को, क्या बोलिएगा ये सब, जियो एयरटेल को क्या जवाब दीजिएगा? जवाब यही देंगे कि आप एक काम क्यों कर रहे हैं कि एयरटेल में, लेकिन मतलब कि इतना महंगाई जो किए जा रहे हैं, हैं? महंगाई का मकसद तो है ना भाई, आप जो है 155 हुआ सीधे 200 रुपये हो गया, हैं? सही बात है या गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। क्या बोले सर? ये धीमा जहर से मार रहे हैं लोगों को। धीमा जहर है मतलब पहले फ्री का लालच दिए, पहले फ्री का लालच दिए और जब लोग उसके आदि हो गए तो अब महंगाई पर बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। 140 करोड़ आबादी है इस देश का, बताइए कितने ऐसे होंगे, कितने करोड़ ऐसे होंगे जो रिचार्ज जब महंगा नहीं था तो वो लोग करते थे, लेकिन अब क्या स्थिति है कि लोग दो सिम में एक ही सिम रिचार्ज कर रहे हैं? अब एक ही सिम रिचार्ज कर रहे, रो रहे हैं? रो रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं। देखिए क्या लगता है, रिचार्ज महंगा हुआ है कुछ असर पड़ रहा है आप लोगों पर? बहुत असर पड़ रहा है सर। कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये लोग बोलते हैं महंगाई है या महंगाई है तो बढ़ेगा, ये तो क्या बहुत है, गरीब लोग के लिए बहुत ही दिक्कत है, मिडिल क्लास। BSNL आप जा रहे हैं सर? आप लोग भी BSNL? हाँ हम लोग भी BSNL जाएंगे। जाइएगा 100%। जियो एयरटेल छोड़ देंगे? जियो एयरटेल तो छोड़ देंगे, कंपनी डूब जाएगा फिर सर। डूब जाने दीजिए, डूब जाने दीजिए। देखिए ये आम लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि जियो और एयरटेल का रिचार्ज महंगा हुआ है, उसका असर जो है आम जनता पर पड़ रहा है, और पड़ रहा है, ऐसा पड़ रहा है कि वो लोग जो है कंपनी स्विच कर जा रहे हैं, BSNL में पोर्ट करा ले रहे हैं या तो उस नेटवर्क से जो है स्विच कर जा रहे हैं, ये स्थिति है। जाहिर सी बात है कि आप सोचिए कि मिडिल क्लास जो डेली का जो है 200-300 कमा रहा है, वो एक महीना का रिचार्ज का 300 रुपया कैसे भरेगा हर महीना? चाचा को देखिए, 150 करते थे चाचा, 200 रुपया हुआ है, 200 तो कैसे करते हैं रिचार्ज? कितना कमाते हैं डेली का? कमाने का माँ छोड़िए, 200-300 रुपया अभी आज दुकानदारी करते हैं, आज हमने बोहनी नहीं किया है, है ना, आज वो बोहनी नहीं किए हैं, लेकिन अभी उस खत्म हो जाएगा रिचार्ज तो भराना बड़ी महंगा पड़ेगा, अभी हम महंगा पड़ेगा नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। तो देखिए ये मोबाइल रखते हैं आप? नहीं रखते हैं। काहे? जियो का बहुत दाम हो गया, बहुत महंगा रिचार्ज है। तो कैसे फोन उनको करेगा बुकिंग के लिए, तो कैसे फोन उन कैसे करेगा? करते हैं कहा महीना के बाद, महीना के बाद करते हैं। महंगा हुआ तो मतलब दिक्कत हो रहा है? हाँ दिक्कत हो रहा है। रिचार्ज का दाम कम होना चाहिए, रिचार्ज के कम होगा तभी ना आदमी भरवाएगा। देखिए मैं वही बात कह रहा था, रुक जाइए, ऐसे ही लोग जो रिक्शा चलाते हैं, जो डेली कुली कबाड़ी का काम करते हैं, जो डेली मजदूरी का काम करते हैं, जो आप रेजा कुली का काम करते हैं, वो लोग रिचार्ज अब नहीं कर रहे हैं। वैसा ही एक एग्जांपल दादा का है, रिचार्ज कब से नहीं किया दादा? एक महीना से उभर छोड़ दिए। हाँ कितना कमाते हैं डेली का? कहाँ कमाते, 300-400 रुपये कमाते हैं, रिचार्ज में चला जाएगा क्या करेंगे? तो ये स्थिति है, देखिए बेचारे डेली कमाने खाने वाले हैं, रिचार्ज का दाम बड़ा है, इसका असर आम जनता लोअर मिडिल क्लास पर पड़ रहा है और कंपनी को इस पर एक बार जरूर सोचनी चाहिए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.